जी सुनिए भाई साहब, हाँ भाई, ये गांव धनवापुर इधर ही है रास्ता तो यही आ रहा है, गांव भी यही है। आप कौन है? जी मैं स्कूल का नया अध्यापक हूँ, तो मुझे सरपंच जी से मिलना था कि रहने की थोड़ी सी व्यवस्था हो जाती, मदद मिल जाती। अच्छा मास्टर जी हैं आप? जी हाँ जी, सरपंच साहब घर पे ही मिलेंगे। जी जी शुक्रिया। राम राम जी। जी सुनिए, ये सरपंच साहब के घर जाना था। अजी सुनिए। क्या हुआ जी? बाहर कोई आए हैं? आ रहा हूं। आ रहे हैं, रुको। जी ठीक है। क्या हुआ? ये मिलने आए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी, नमस्ते। कहिए जी, सरपंच साहब के घर जाना था। सरपंच साहब का घर तो वैसे अगली गली में है, लेकिन अभी अभी निकल के वो शहर चले गए, शायद शाम तक लौटेंगे। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी आपके गांव में अभी स्कूल में बतौर अध्यापक नियुक्ति हुई है मेरी। अरे मास्टर जी, मास्टर जी राम राम। उनसे क्या काम था? उनसे थोड़ी मदद लेनी थी, कहीं कोई बसेरा मिल जाता रहने को। अरे मास्टर जी, इतने साल बाद तो हमारे गाँव में कोई मास्टर जी आए हैं। तो हमारे यहाँ रही है ना क्यूंगुड़े की मम्मी? हाँ हाँ। और वैसे भी वो आपको हमारे घर भेजने वाले थे। जी ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब लगे हाथ किराया भी बता दीजिए। नहीं नहीं मास्टर जी, क्यों गरीब आदमी को शर्मिंदा कर रहे हैं, भला आपसे क्या किराया लेंगे। गुड़िया की माँ जी, तू मास्टर जी के रहने की व्यवस्था करो। हाँ जी। मैं खेत होके आता हूँ। मास्टर जी आप रुकिए, चाय पानी पीजिए और मैं शाम को मिलता हूँ आपसे। अच्छा जी मास्टर जी, मिलते हैं फिर। आइए। बैग मुझे दे दो। लीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए। जी शुक्रिया। स्कूल जाना है। स्कूल जाना है? क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। अरे क्यों नहीं, हम अपनी गुड़िया को जरूर स्कूल भेजेंगे। मैं आपकी माँ से बात करूंगा, ठीक है? मास्टर जी, वो आपका कमरा ऊपर तैयार हो गया, आप थक गए होंगे, जाके आराम करिए। जी शुक्रिया। मास्टर जी आपके लिए चाय। जी शुक्रिया। जी आपने क्यों कष्ट किया, रख दीजिए।
स्कूल जाना है। बेटा मैं स्कूल जा रहा हूँ, आपके बापू से बात करूंगा। स्कूल जाना है। हाँ मेरी बात हो चुकी है स्कूल में, हम बहुत जल्द स्कूल चले, ठीक है। आपका खाना। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मैं कर लूंगा सब। इसमें तकलीफ की क्या बात है मास्टर जी, इतने सालों बाद कोई हमारे घर आया है, ये तो हमारा सौभाग्य है और हमारा कर्तव्य है। आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे जी, हमें शर्म लगती है, आप ऐसे बता दीजिए। अरे वो मास्टर जी, गुड़िया के पिताजी आने वाले हैं, अब मैं चलती हूँ, मैं आपके पास शाम को आऊँ। अरे गुड़िया, मुझे स्कूल जाना है। जरूर चलेंगे बेटा, चलो आप जाके तैयार हो जाओ, फिर हम स्कूल चलेंगे, मैं नीचे ही आता हूँ। राम राम भाई साहब, राम राम भाई साहब। ओ राम राम मास्टर जी, राम राम मास्टर जी। रहने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भाई साहब मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए ना मास्टर जी, बोलिए। क्या आपके गांव में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता? अब ये बात हमें क्या मालूम मास्टर जी। मैं आपकी बेटी की बात कर रहा हूँ मास्टर जी। मेरी बेटी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे आप? आप बात नहीं करना चाहते हैं, स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, बेटी पढ़ेगी कैसे, देश में बदलाव कैसे आएगा? किसी को तो शुरुआत करनी होगी। मैं इसे स्कूल ले जाके रहूंगा। किसे? आपकी बेटी गुड़िया को और किसे? मास्टर जी मेरी बेटी को मरे 2 साल हो गए, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? क्या ये कैसे हो सकता है? अरे मास्टर जी इतनी जल्दी में किधर जा रहे हो? स्टेशन तक जाना है, गाड़ी पकड़नी है। हाँ हाँ जरूर जरूर, आइए आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। चलो चलो भाई साहब जल्दी चलो। कहाँ रह रहे हो मास्टर जी आप? वो लोग जिनके पास पुरानी हवेली है ना, उनके पास रह रहा हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो मास्टर जी, उसमें भला आप कैसे रह सकते हो, वो हवेली तो बंद पड़ा सर जी। क्या? अरे 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 क्या हुआ मास्टर जी, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मास्टर जी? अरे 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 मास्टर जी उठिए उठिए उठिए, ठीक 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 तो हो ना आप? अरे अरे क्या हुआ मास्टर जी, चक्कर आ गया था क्या? मास्टर जी ठीक तो हो? वो आपने जो गुड़िया के माँ बाप की बात बताई थी वो सच है? अरे उस घर में तो आत्मा ही रहती है। पर
पर मुझे तो ये लगा कि गुड़िया की माँ मुझ पे मरती है, मुझे पसंद करने लगी। धत, भाग्यशाली हो मास्टर जी, आप बच निकले वहां से। उस औरत ने तो पहले भी चार आदमियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के मार दिया है। क्या? आप तो इसी गांव के हैं ना, तो कौन थे वो लोग? आपको तो सब पता हो गांव के बारे में। बताता हूँ मास्टर जी, बहुत साल पहले दूर के किसी गांव में एक लड़का लड़की आपस में प्यार करते थे और दोनों अलग अलग जाति के थे। पर वो इस गांव में कैसे आए? दोनों परिवारों को उनका प्यार मंजूर नहीं था, दोनों ने भागकर शादी कर ली और इसी धनोवापुर गांव में आ गए। और उनका प्यार देखकर ये पुरानी हवेली गांव वालों ने उनको रहने के लिए दे दी। क्या हुआ विद्या? क्या हुआ विद्या? क्या हुआ? क्या हुआ विद्या? पानी ले क्या तुम? पानी लो विद्या, पानी पियो पानी। कुछ नहीं जी, मैं ठीक हूँ। आपके रहते हुए मुझे क्या हो सकता है जी, जीऊंगी भी आपके साथ, मरूंगी भी आपके साथ। दरअसल आप बाप बनने वाले हैं। क्या सच्ची? अरे किसने बोला तुम्हें पान लाने को? लाओ मुझे दो। आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, समझी? सारे काम मैं किया करूंगा, ठीक है? अजी आप इतने उतावले मत बनिए, अभी तो तीसरा महीना है। तीसरे महीने में भी कोई काम नहीं करना होता। एक बात बताओ विद्या, क्या नाम सोचा हमारे होने वाले बच्चे का? जवाब भी बड़े बेशर्म हो। और मास्टर जी उनके घर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने गुड़िया रखा। कहती थी अक्सर मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। वो अपनी शादी की सातवीं सालगिरह पर अपनी बेटी का दाखिला करवाने स्कूल ले गए। अजी सुनते हो, कल हमारी शादी को पूरे 7 साल हो जाएंगे। सही कह रही हो विद्या, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और देखिए कल 7 साल पूरे हो जाएंगे। हाँ आओ बेटी, आओ आओ बेटी। मुझे स्कूल कब भेजोगे? मुझे पढ़ना है। बेटी को स्कूल भी भेजेंगे, बहुत बड़ा ऑफिसर बनाएंगे बेटी को, ठीक है? अरे मेरा बच्चा। सुनिए आप इसे ना कल स्कूल भेजने की तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं गांव के स्कूल में कल इसकी बात करके आता हूँ, ठीक है बेटे? कल स्कूल चलेंगे। बाबूजी क्या हम सच में स्कूल जाएंगे? हाँ हम कल सच में स्कूल जाएंगे। हे स्कूल जाएंगे। विद्या इतनी खुशी की बात है ना, कल हमारी बेटी स्कूल जाएगी, फिर शाम को हम सब बाजार चलेंगे घूमने के लिए। पर इस बार आप कोई टाल मटोल मत कीजिएगा। नहीं, नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत सारी चीजें लानी है।
नई किताबें लाएंगे। गुड़िया की किताबें भी। चलो फिर कल स्कूल जाना है, तैयारी करते हैं, ठीक है? विद्या, विद्या, विद्या। हाँ? विद्या, विद्या। क्या हुआ? स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम जा ही नहीं पाए। क्यों? मैंने तुम्हारे भाई को देखा, गांव में 10-12 लोगों के साथ वो भी ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि वो हमें मार डालेंगे। लगड़िए, विद्या कहाँ है? विद्या कहाँ है? यही घर है बाबू, यही आते देखा था मैंने। विद्या, तूने दूसरी बिरादरी के लड़के से शादी करके हमारी समाज में थू थू करा दी। अरे तूने क्या सोचा था, हमारी नाक कटवा के चैन से जी लेगी? अरे ढूंढो 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 ढूंढो। गए हो गए रामजादे, नहीं बच सकती तू। मिला दी।